ये कहानी आज से 7 दशक पहले की है, जब दुनिया के कुछ सबसे लालची लोग अपने लालच और अहंकार की वासना को शांत करने के लिए अपने आधुनिक हथियारों की तबाही का दुनिया भर में प्रदर्शन करते फिर रहे थे। 5 साल के खून खराबे के बाद उनकी वासना की तपिश कम होने लगी और 1945 की गर्मी आते आते युद्ध अपने आखिरी अंजाम तक पहुंच जाता है। युद्ध के आखिरी पड़ाव में स्टालिन की सेना ने बर्लिन पर हमला तेज कर दिया है। इससे बचने के लिए हिटलर बर्लिन में अपनी चांसलरी की इमारत के 50 फीट नीचे बने बंकर में चला जाता है और वहां से एक गुप्त संदेश अपने चुने हुए कुछ प्रमुख राजनेता और सिपहसालारों को भेजता है, जिसमें ये आदेश है कि वे गुप्त रूप से जर्मनी छोड़ दें और बतलाए गए खुफिया ठिकाने पर चले जाएं, जो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में कहीं पर है, जहां से हिटलर युद्ध में जर्मनी की वापसी के लिए फिर से एक आखिरी प्रयास करेगा। इसी आदेश का पालन करते हुए हर्बर्ट डिटरिच, जो फ्यूरर के खास लोगों में शामिल था और जर्मनी के हैम्बर्ग में कहीं पर छुपा हुआ था, जर्मन जलसेना के कुछ बचे खुचे यूबोट में से एक में सवार हो जाता है। यूबोट का कैप्टन तय प्रोटोकॉल के तहत उस राजनयिक का अपनी बोट में स्वागत करता है। हर्बर्ट डिटरिच और कैप्टन अभी उस यूबोट के डेक में ही होते हैं कि यूबोट का एक क्रू मेंबर डेक पर हड़बड़ाता हुआ आता है और कैप्टन को बतलाता है कि दुश्मन का एक एयरक्राफ्ट उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। कैप्टन हर्बर्ट डिटरिच को लेकर जल्दी से यूबोट के अंदर चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि जर्मन यूबोट 147 पानी में सबमर्ज हो पाता, दुश्मन का एक एयरक्राफ्ट लवोचकिन LA-5 नजदीक आ चुका होता है। रशियन पायलट यूबोट को देखते ही उस पर अपने ऑटो कैनन सावॉक से गोले बरसाने लगता है। गोलों की बौछार इतनी तेज होती है कि यूबोट के मोटे स्टील खोल के भीतर बैठे हर्बर्ट डिटरिच और यूबोट का पूरा क्रू गोलों की यूबोट से टकराने की झंझनाहट अपने कानों में महसूस कर सकता है। जल्द ही जर्मन यूबोट 147 पानी में गहरे उतर जाता है और देखते ही देखते दुश्मन से ओझल हो जाता है। तब जाकर यूबोट में बैठे सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। थोड़ी देर के लिए यूबोट के अंदर सन्नाटा पसर जाता है। उसी बीच हर्बर्ट डिटरिच सन्नाटा तोड़ते हुए कैप्टन से पूछता है कि क्या वो सिगरेट पी सकता है। यह कहते हुए वह अपनी जेब से सिगरेट रखने का डब्बा निकालता है। कैप्टन यूबोट के अंदर तनाव के माहौल को खत्म करने के लिए मजाकिया अंदाज में कहता है कि डिटरिच साहब, आप यूबोट में ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिगरेट का धुआं छोड़ने के लिए यहाँ खिड़की नहीं खोली जा सकती है। ये सुनकर क्रू मेंबर्स हंसने लगते हैं और साथ में हर्बर्ट डिटरिच भी हंसने लगता है। अभी यूबोट के अंदर माहौल हल्का हुआ भी नहीं था कि एक अजीब सी आवाज राजनयिक डिटरिच के कानों में पड़ती है, जैसे कोई यूबोट के मेटल खोल पर भारी हथौड़े से चोट कर रहा हो। हर्बर्ट डिटरिच इस बारे में कैप्टन को बतलाता है। कैप्टन, लगता है कोई यूबोट का दरवाजा पीट रहा है, क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? आवाज थोड़ी धीमी है, पर ध्यान देने पर उसे सुना जा सकता है। कुछ देर तक किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है कि हर्बर्ट डिटरिच क्या कह रहे हैं, पर थोड़ा ध्यान लगाने पर अब वे सभी उस आवाज को सुन सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई यूबोट का दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाहता है। मेटल से मेटल के टकराने की आवाज धीरे धीरे तेज होती जाती है। इससे कैप्टन और क्रू को थोड़ी चिंता होती है। तभी हर्बर्ट डिटरिच कैप्टन से पूछता है कि क्या कोई डेक पर छूट गया है, क्या यह संभव है? कैप्टन बोट में लगे प्रेशर गेज को देखता है और हर्बर्ट डिटरिच से कहता है कि हम समुद्र में करीब 350 फीट नीचे हैं। अगर कोई डेक पर छूट भी जाता तो वह पानी के दबाव से अब तक मर चुका होता। तभी एक क्रू मेंबर यह अंदेशा जताता है कि हो सकता है कि दुश्मन की गोलीबारी से यूबोट को कोई नुकसान हुआ हो। कैप्टन तुरंत यूबोट में लगे सारे उपकरणों की रीडिंग लेने का आदेश देता है। इंजन, टरबाइन, प्रोपेलर शाफ्ट, टॉर्पीडो ट्यूब सभी की जांच की जाती है। क्रू मेंबर्स को किसी भी उपकरण की रीडिंग में कोई असामान्यता दिखाई नहीं पड़ती है। यूबोट के अंदर सब कुछ नॉर्मल होता है। शायद समस्या यूबोट के बाहर है। हर्बर्ट डिटरिच कहता है कि मुझे लगता है
कि रशियन एयरक्राफ्ट के हमले से यू बोट के बाहरी खोल को कोई नुकसान हुआ है। बाहर शायद मेटल का कोई हिस्सा टूट गया है जो मेटल के किसी दूसरे हिस्से से टकरा रहा है, जिससे इस तरह की आवाज़ पैदा हो रही है। कैप्टन भी उसकी बात को तर्कसंगत मानता है और यू बोट के ऊपरी हिस्से के इंस्पेक्शन का आदेश देता है, जिसके लिए यू बोट को सरफेस पर ले जाना होगा। जब कैप्टन को यह तसल्ली हो जाती है कि अभी सरफेस पर दुश्मन का कोई खतरा नहीं है, तो वह यू बोट को सरफेस पर ले जाता है और तब यू बोट 147 का इंस्पेक्शन शुरू होता है। क्रू इंजीनियर को बोट के ऊपरी हिस्से की जांच करने में थोड़ा समय लग जाता है, पर उसे इंस्पेक्शन के दौरान कुछ भी गड़बड़ी नहीं मिलती है। वहां भी सब कुछ नॉर्मल होता है। अब सभी यू बोट के अंदर लौट आते हैं। जैसे ही यू बोट का डेक सील किया जाता है, सारे क्रू मेंबर ध्यान से उस अजीब आवाज को फिर से सुनने की कोशिश करते हैं, पर अब वो आवाज सुनाई नहीं दे रही है। शायद समस्या खत्म हो गई है। कैप्टन क्रू से पूछता है कि बोट के ह्यूमन एसेट यानी हरमन दितरिच कहाँ है। तब उसे बताया जाता है कि दितरिच साहब अपने केबिन में हैं। अब सब कुछ नॉर्मल था। शिप में कोई मेटल के टकराने की आवाज नहीं आ रही थी। यू बोट नॉर्थ अटलांटिक महासागर में अपनी मंजिल की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था। आखिर ये आदेश उन्हें सीधे फ्यूरर से मिला था। ये यू बोट 147 के कैप्टन और क्रू के लिए बड़ी सम्मान की बात थी। कैप्टन अपने ह्यूमन एसेट को देखने के लिए केबिन की ओर बढ़ता है। जाते वक्त वह अपने केबिन से कोनियाक का एक बोतल उठा लेता है, लेकिन जब वह हर्बर्ट दितरिच के केबिन के पास पहुंचता है तो उसे सोया हुआ पाता है। उसे सोया देख कैप्टन अपने केबिन में वापस लौट जाता है। अभी थोड़ा समय ही बीता था कि हर्बर्ट दितरिच की नींद खुल जाती है और वह सांस लेने में घुटन की शिकायत लेकर कैप्टन के केबिन के पास पहुंचता है। कैप्टन दितरिच को देखते ही रिलैक्स होने के लिए कहता है और कुछ देर गहरी सांस लेने की सलाह देता है। पहली बार यू बोट में सफर करने पर अक्सर सफोकेशन की समस्या का सामना करना पड़ता है। थोड़ी देर में यह समस्या अपने आप चली जाती है, ऐसा कैप्टन राजनयिक हर्बर्ट दितरिच को कहता है। अब दितरिच थोड़ा रिलैक्स होने लगता है। कैप्टन हर्बर्ट दितरिच का ध्यान बांटने के लिए दितरिच के सिगरेट रखने के डिजाइनर डब्बे की तारीफ करता है, जो उसके कमीज के ऊपरी पॉकेट में रखी हुई है। दितरिच कमीज के ऊपरी पॉकेट से वह डब्बा निकालता है और बड़ी शान से कैप्टन को बतलाता है कि उसे यह डब्बा खुद फ्यूरर ने सम्मान के रूप में दिया है। वह बतलाता है कि कैसे उसने फ्यूरर के एक आदेश पर गैस चैम्बर में डालकर 6,000 यहूदियों को बर्लिन के एक डिटेंशन कैंप में मारा था। ये सब बतलाते हुए दितरिच हंसने लगता है और कहता है कि उसे गैर आर्यों को मारने का कोई अफसोस नहीं है और वो फ्यूरर के साथ मिलकर अपने पुरखों के सपनों का जर्मनी बनाने का एक पवित्र काम कर रहा है, जहां केवल शुद्ध नस्ल के लोग रहेंगे। कैप्टन अब दितरिच के सामान्य से चेहरे के पीछे छुपे हैवानियत को देख सकता है। वो उस जहर को अपने रगों में भी महसूस कर सकता है जो उन सब के अंदर एक योजनाबद्ध तरीके से सरकारी प्रोपेगेंडा के तहत डाला गया है। तभी अचानक फिर से मेटल के टकराने की आवाज़ गूंजने लगती है। इस बार ये आवाज़ यू बोट के अलग अलग कोने से आने लगती है। इस बार ये आवाज़ पहले से ज़्यादा ज़ोरदार होती है। इस बार लगता है कि कोई मेटल के बाहरी खोल को दबाकर तोड़ देगा। यू बोट में मौजूद सभी लोग इस आवाज़ से बहुत परेशान हो जाते हैं और अपना सर पकड़कर चिल्लाने लगते हैं। इसी बीच यू बोट का रेडियो ऑपरेटर लंदन से आ रही एक शॉर्टवेव पकड़ता है, जिसमें यह खबर चल रही होती है कि हिटलर ने खुद को गोली मार ली है, उसने आत्महत्या कर ली है और चांसलरी पर स्टालिन की फौज ने कब्जा कर लिया है। यू बोट पर मेटल पाउंडिंग का ये शोर, ऊपर से ऐसी मनहूस खबर, ये सुनकर हर्बर्ट दितरिच जोर से चिल्लाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अचानक से वो शोर भी बंद हो जाता है। वो शोर ऐसे बंद हो जाता है जैसे वो पहले कभी हुआ ही ना हो। अलग अलग शॉर्टवेव पर हिटलर के आत्महत्या की खबर आने लगती है, जो खबर की सच्चाई की पुष्टि करता है। तभी यू बोट अपने रडार में किसी भारी मेटल की चीज को अपनी ओर आते हुए देखता है। सोनार ऑपरेटर नज़दीक आ रहे शिप के प्रोपेलर के घूमने की रफ्तार से यह कन्फर्म करता है कि यह कोई डिस्ट्रॉयर बैटल शिप है। ये एक ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर बैटल शिप हो सकती है, क्योंकि यू बोट अभी ब्रिटेन की समुद्री सीमा में है।
कैप्टन यूबोट को पानी में 550 फीट नीचे ले जाता है। यही यूबोट के गोता लगाने की अधिकतम सुरक्षित सीमा है। इससे नीचे जाने पर यूबोट पानी के दबाव से तबाह हो सकता है। वहीं रडार में ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर लगातार नज़दीक आता हुआ दिखता है। उसकी दूरी लगातार घट रही है। 4,000 मीटर, 3,000 मीटर, 2,000 मीटर। कैप्टन यूबोट का जनरेटर और सारे उपकरण बंद करने का आदेश देता है। यूबोट के अंदर सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग धीरे धीरे फुसफुसाकर बात करने लगते हैं। यूबोट के अंदर कोई भी शोर ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर को अपने ऊपर हमला करने का निमंत्रण देने जैसा है। डिस्ट्रॉयर शिप का सोनार इतना सक्षम होता है कि 1,000 मीटर के दायरे में किसी यूबोट के अंदर चल रही घड़ी की आवाज भी सुन सकता है। अभी ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर यूबोट के ठीक ऊपर है। यूबोट के अंदर सभी लोग दिल थाम कर बैठे हैं। कोई भी हलचल या अजीब आवाज डिस्ट्रॉयर के सामने यूबोट का लोकेशन एक्सपोज कर सकती है। यूबोट में सब दुबक कर बैठे हैं। वहां कुछ भी हलचल नहीं होती है। और धीरे धीरे डिस्ट्रॉयर यूबोट से दूर जाने लगता है। जैसे जैसे डिस्ट्रॉयर दूर जाता है, यूबोट के कैप्टन और क्रू की सांस में जैसे सांस वापस आने लगती है। ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर अब यूबोट से लगातार दूर जा रहा है। 2,000 मीटर, 3,000 मीटर, 4,000 मीटर, 5,000 मीटर। यूबोट में तनाव अब खत्म होने लगता है। हिटलर के आत्महत्या कर लेने के बाद जर्मन सिपाहियों का भविष्य अब अंधेरे में है। वो बिना लीडर के हैं। ऐसे में ब्रिटिश जल सीमा में जर्मन यूबोट दुश्मन से किसी भी तरह का मुकाबला नहीं चाहता है। ऐसा करना उनके लिए मौत को गले लगाने जैसा होगा। तभी हर्बर्ट दित्रिच बेहोशी से जागता है। कैप्टन और क्रू उसकी तरफ देखते हैं, हर्बर्ट दित्रिच उनकी तरफ देखता है। दित्रिच कैप्टन और क्रू की आंखों में एक अजीब सा खौफ देखता है। उनकी आंखें बतलाती हैं कि अभी अभी मौत उन्हें छूकर निकली है। हर्बर्ट दित्रिच अभी पूरी तरह से होश संभालता भी नहीं है कि मेटल को मेटल से पीटने की वो आवाज फिर से शुरू हो जाती है। एक क्रू मेंबर चिल्लाता है, ओह ये आवाज डिस्ट्रॉयर सुन लेगा। मेटल पाउंडिंग की आवाज तेज होने लगती है। ऑपरेटर कहता है कि ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर ने पक्का ये आवाज सुन ली होगी। देखो उसकी रफ्तार कम हो रही है, शायद वो अपना कोर्स बदल रहा है। अब वो फिर से हमारी तरफ ही आएगा। यूबोट के अंदर सभी हताश हो जाते हैं। मौत जैसे उनके सामने है। कोई रोने लगता है, कोई अपने पापों के लिए ईश्वर से माफी मांगने लगता है। तभी उनमें से एक कहता है, ओह इसके जागने पर मेटल के टकराने की आवाज़ आती है, क्या गौर किया तुमने? और जब ये नींद में होता है तो ये आवाज़ आना बंद हो जाती है। क्रू का एक सदस्य हर्बर्ट दित्रिच की तरफ उंगली दिखाते हुए ये सब कहता है। दित्रिच सक पकाता है, और इससे पहले कि वो क्रू के उस सदस्य को उसकी हैसियत बतलाता, कैप्टन दित्रिच को उसके गले के बगल में मारता है कि उसे बेहोश कर सके। शायद क्रू के उस सदस्य की वो बात सही हो। शायद दित्रिच के बेहोश होने के साथ मेटल पाउंडिंग की वो आवाज़ बंद हो जाए। जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना था। हर्बर्ट दित्रिच के गले पर मारा गया जोर का चोट उसे बेहोश कर देता है। उसके बेहोश होते ही मेटल पाउंडिंग की वो आवाज़ भी शांत हो जाती है। अब शायद ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर का खतरा टल चुका है। कोई मेटल पाउंडिंग की आवाज़ नहीं हो रही है। डिस्ट्रॉयर का सोनार उन्हें नहीं पकड़ पाएगा। अब वह बहुत दूर चला गया होगा। क्रू के सदस्य अब हर्बर्ट दित्रिच को जगाने की कोशिश करते हैं। उसके ना जागने पर यूबोट का डॉक्टर दित्रिच की नाक के पास अपनी उंगली रखता है। फिर हड़बड़ाते हुए दित्रिच की नाड़ी टटोलता है। फिर अपना कान उसके सीने के ऊपर रखता है। दित्रिच की धड़कन रुक चुकी है, वह सांस नहीं ले रहा है। डॉक्टर उसे CPR देता है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टर कहता है शायद गर्दन टूटी है। मिशन फेल हो चुका है, उनका ह्यूमन एसेट मर चुका है। मिशन अबोर्ट किया जाता है। पर सवाल है कि वे मिशन के फेल होने की रिपोर्ट किसे करेंगे? सुप्रीम लीडर मर चुका है, सेना हार चुकी है, और कोई हेडक्वार्टर भी नहीं बचा है। पर इससे भी बड़ा सवाल ये है कि मेटल पाउंडिंग की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? क्या इसका सच में हर्बर्ट दित्रिच के सोने और जागने से कोई संबंध था? या फिर कोई ऐसी शक्ति थी जो दित्रिच का पीछा करते हुए यूबोट तक आ चुकी थी, और वो तभी जाती जब उसे दित्रिच के मौत की तसल्ली हो जाती? शायद ये सब दित्रिच के हैवानियत का फल था,
जो उसने 6 साल पहले यहूदियों पर ढाए थे? या फिर इसका कोई दूसरा कारण था? क्या यूबोट में सवार लोग हेलुसिनेट हो रहे थे? क्या यूबोट में सफोकेशन की वजह से ऐसा हो रहा था? क्या मेटल पाउंडिंग की आवाज़ सच में हो रही थी, या सिर्फ ये किसी का वहम मात्र था जिसे सब ने सच मान लिया था? अगर मेटल पाउंडिंग की आवाज़ सच में हो रही थी, तो ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर का शक्तिशाली सोनार उस आवाज़ को सुन क्यों नहीं पाया? वह लौट कर यूबोट पर हमला क्यों नहीं करता है? क्या मेटल पाउंडिंग सच में कभी हुई थी? इसका जवाब तो आपको आपका तर्क देगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।